आज तक के एंकर रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देते हुए रवीश कुमार ने एक बड़ा सवाल उठाया। रवीश कुमार ने फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा, आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, डॉक्टरों ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षणों पर किस तरह से मॉनिटर किया गया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया, उससे लगता है कि डॉक्टर सही समय पर जरूरी दवा नहीं दे रहे। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और कई डॉक्टरों की पर्ची देखकर एक अंदाजा होता है कि सही दवा तो लिखी ही नहीं गई। इसीलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया, जहां देश भर से रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार की डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता, और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत क्यों नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज रूम में ये खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा, ये भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हों, उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी है। अगर आप उसे खबर के रूप में ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा, उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज साफ करते रहें ताकि उनका फोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है। आम लोगों की भी जान चली गई। प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांध कर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता है। लिखने पर केस कर देने और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं, वो इंसानियत के साथ नहीं हैं। इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि। उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उबरेगा इस हादसे से, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को अपने पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। रवीश कुमार।